लोकसभा में आज उनाव और तेलंगाना दुष्कर्म का मुद्दा गरमाया रहा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस नेता अधीर रंजन के सीता वाले बयान को लेकर विपक्ष पर हमला बोला है। उन्होंने कहा विपक्ष इस मुद्दे को सांप्रदायिक रंग दे रहा है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने संसद में कहा कि एक तरफ भगवान राम का मंदिर बनाया जा रहा है और दूसरी तरफ सीता मैया को आग लगाई जा रही है। उनाव मामले के विरोध में कांग्रेस नेताओं ने संसद से वॉकआउट किया। अधीर रंजन ने कहा उनाव में दुष्कर्म पीड़ित 95% जल चुकी है, आखिर देश में चल क्या रहा है। स्मृति ईरानी ने कहा आप नहीं चाहते कि महिला ऐसे मुद्दों पर बात करे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि आप विपक्षी सांसद आज यहां चिल्ला रहे हैं, इसका मतलब है कि आप नहीं चाहते कि कोई महिला खड़ी हो और मुद्दों पर बात करे। जब पश्चिम बंगाल पंचायत चुनावों में दुष्कर्म को राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया था तब आप शांत थे। महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसे मामलों की सुनवाई के लिए नया कानून बने। शिवसेना के सांसद अरविंद सावंत ने कहा कि ऐसे कानून बनाने की जरूरत है जिसके जरिए ऐसे महिलाओं के खिलाफ अपराध मामलों की सुनवाई सीधे सुप्रीम कोर्ट में हो। अभी के समय में निचली अदालतों से ऐसे मामलों की सुनवाई शुरू होती है। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से अपील की कि इस पर चर्चा के लिए एक समिति गठित करें।